ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से जो पिछली 3 टेस्ट सीरीज खेली हैं उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन के सामने आए हैं चेतेश्वर पुजारा। जहां 2016-17 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी उस वक्त चेतेश्वर पुजारा ने 1000 से ज़्यादा गेंदें खेली थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो जाओ जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया वापस आएगी टूर करेगी 2018-19 में तो वो चेतेश्वर पुजारा के खिलाफ ऐसा गेम प्लान बनाएंगे कि पुजारा के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या प्लान बनाती, पुजारा ही एक गेम प्लान बना के गए थे और फिर जो इंडिया में 1000 गेंदें खेली थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर 1203 गेंदें खेल गए। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल तैयार था पुजारा के लिए कि पुजारा को हम बॉडी लाइन बॉलिंग करेंगे, ऑफ स्टंप के पास रखेंगे और उनको आउट ही कर देंगे, उनको रन नहीं बनाने देंगे। और पूरी तरह से तैयारी थी कि चेतेश्वर पुजारा को तो रन बनाने ही नहीं देने, उनको अनसेटल रखना है। और कुछ हद तक कामयाब हुए भी चेतेश्वर पुजारा के रन रोकने में, लेकिन वो एक बात भूल गए कि जितना वो चेतेश्वर पुजारा को विकेट पर रखेंगे तब उतना ही ज़्यादा वो सेटल होंगे और उतना ही ज़्यादा इनके बॉलर्स को थकाएंगे। अब एक ऐसा वाक्य सामने निकल के आ रहा है कि जोश हेजलवुड जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं वो चौथे टेस्ट मैच से पहले जब टीम ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग चल रही थी उस वक्त टीम मीटिंग में वो बिफर गए थे जब उनके कोच चेतेश्वर पुजारा के बारे में बात कर रहे थे। उनके जो एनालिस्ट थे टीम के वो चेतेश्वर पुजारा के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर कोच, इसके अलावा एनालिस्ट बात कर रहे थे किस तरह से चेतेश्वर पुजारा को आउट किया जाए, अगर उनको आउट नहीं किया तो वो काफ़ी घातक साबित होंगे और उनकी वजह से बाकी जो बल्लेबाज हैं उन पर गेंदबाज ध्यान नहीं लगा पाएंगे और वो रन बना जाएंगे। जिसके बाद ऐसा कहा गया कि चेतेश्वर उस वक्त ऐसे ही जोश हेजलवुड अपने हाथ में बैट लेकर बैठे थे तो उन्होंने गुस्से में बैट नीचे पटक के मारा और कहा कि बहुत हो चुका चेतेश्वर पुजारा ये तो आउट ही नहीं होता, मैं हम पिछले 2 टूर से सिर्फ यही बात कर रहे हैं पुजारा को कैसे आउट करें, बट दिस मैन इज़ जस्ट नॉट गेटिंग आउट, यानी कि बस, लेकिन ये शख्स आउट होने का नाम ही नहीं लेता। जाहिर सी बात है पुजारा के सिर्फ चेहरे से नहीं पुजारा के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को इतना डर लगता है कि वो चाहते ही नहीं किसी भी टेस्ट में उनके सामने पुजारा खेले। और हो भी क्यों ना, सबसे ज़्यादा गेंदे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वही खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को, जिस तरह से पिदाते हैं पुजारा ऐसा शायद ही दुनिया का कोई बल्लेबाज कर पाए। और दुनिया का हर बड़ा बल्लेबाज, दुनिया का हर पूर्व बल्लेबाज, हर पूर्व क्रिकेटर मानता है पुजारा की इस बात को कि अगर पुजारा नहीं होते 2018-19 में और अब 2021 की सीरीज़ में इंडिया के पास तो ये टेस्ट सीरीज विन इंडिया की कभी नहीं होती और इसमें सबसे अहम रोल चेतेश्वर पुजारा का ही है। बेशक ऋषभ पंत ने रन बनाए हैं, बेशक शुभमन गिल ने रन बनाए हैं, लेकिन वो रन तभी सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि बॉलर्स का सारा ध्यान पुजारा को आउट करने पर था कि किसी भी तरह पुजारा को आउट कर लें और पुजारा ने अपनी विकेट दी नहीं और बॉलर्स का ध्यान सारा पुजारा पर ही रहा। और ये एक बड़ा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स जल्दी थके भी और साथ ही साथ वो गेम पर बाकी बल्लेबाजों पर उतना कंसंट्रेट भी नहीं कर पाए जितना कि उनको करना चाहिए था और यही कारण है कि बाकी बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए। तो चलिए दोस्तों, मैं चिनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।